हाय फ्रेंड्स मैं रितु नाकपाल देखिए आपके लिए जो है एक ये फरमाइश आ रही थी कि टी पॉट के ऊपर जो टिकोजी लगती है सर्दियों में जो हमें चाय को गर्म रखने के लिए इस तरीके से टिकोजी बनाई जाती है वो किस तरीके से निटिंग में बनाई जाती है वो बताइएगा आप ये देखेंगे देखिए बहुत इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी बनी है और बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है ऐसे लुक है इसका और बाकी आगे मैंने स्टेप स्टेप आपको बताया किस तरीके से बनेगी हार्डली जो है ये 40 टू 50 ग्राम्स में आपकी जो है टिकोज़ी तैयार हो जाएगी तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इस टिकोज़ी को हम अब देखिए टिकोज़ी की जो है फरमाइश आई है तो टी पॉट जो होते हैं सर्दियों के लिए इसके ऊपर जो है वॉम रखने के लिए आपको टिकोज़ी चाहिए होती है तो वो टिकोज़ी आप किस तरीके से बना सकते हैं अब ये देखेंगे यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ये टी पॉट है ये टी पॉट जो है इसकी लंबाई अगर मैं ऊपर से देखती हूँ यहाँ से नापती हूँ तो ये साढ़े पाँच इंच लंबा है और यहाँ से करती हूँ तो ये अठारह इंच जो है आपका आ, रदर सत्रह इंच है देखेंगे आप ये सेवनटीन इंचज़ है तो मैं एक इंच का फ़र्क रखूँगी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए तो अठारह इंच मैंने इसके यहाँ पर यह सर्कम करे है दो पार्ट बनेंगे अलग अलग बनाऊँगी तो अठारह का मतलब है नौ इंच इस साइड और नौ इंच इस साइड तो अब देखिएगा मैंने उस हिसाब से यहाँ पे फंदे डाले अब फंदे आप किस तरीके से देखेंगे कि कैसे आप डालेंगे यहाँ पे मैंने फंदे डाले हैं आप देखेंगे यहाँ पे इसमें एक इंच में जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक छः फंदे आएंगे दो दो चार दो छः ये देखिएगा ये छः फंदे आपके आते हैं तो अब अगर मुझे नाइन इंच करना है छः फंदे एक इंच में थे, तो नाइन इंटू तो आपका जो है फिफ्टी फंदे बैठते हैं तो मैंने यहाँ पे 54 फंदे डाले हैं दो कलर से बना रही हूँ और नौ नंबर की सिलाई से यूज़ कर रही हूँ देखेंगे ये दो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ और नौ नंबर से इसको बनाऊँगी तो देखिएगा यहाँ पे 54 स्टिचेस डाले हैं अब 54 स्टिचेस डालने के बाद मैं किस तरीके से करूँगी क्योंकि मैंने दोनों कलर्स जो है चलाने हैं अब देखिए ये वाला पहले तो मैं यहाँ से हम शुरू करेंगे तो आप ये सेकंड कलर लेंगे मैंने आप फिफ्टी फोर स्टिचेस डालने के बाद जस्ट चार लाइनें सीधी सीधी की की है अब यहाँ से शुरू करेंगे हम बनाना तो इस तरीके से ये वाला कलर लूंगी दूसरा कलर और छः फंदे एक ऐसे दो तीन चार पाँच और ये छः छः फंदे मैं ऐसे सीधे बनाऊंगी अब ये छः फंदे आपने अगले छः फंदे इस पिंक से बनाने हैं एक दो तीन चार पाँच छ अगेन अगले छः फंदे आपने ग्रे से बनाने हैं अब हम इसको पलट नहीं रहे हैं क्योंकि ये डिज़ाइन ही थोड़ा सा ऐसा डालना है कि मैं इन धागे को आपस में लपेट नहीं रही हूँ आप ये देखेंगे देखिए ये लिया आपने और फिर ये छः फंदे आपने ऐसे बना लिए देखेंगे तो मैं दागे को लपेट नहीं रही हूँ जस्ट दोनों धागे लेकर छः छः फंदे बनाऊंगी एक छः फंदे उससे दो दो चार दो छः ग्रे से और छः फंदे आपके ऐसे पिंक से देखेंगे आप ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइट मत कीजिए जब जितने फंदे आ रहे हैं उसी हिसाब से आप इसका हाथ रखेंगे देखिए दो दो चार पाँच छ अगेन ये लिया फिर बनाया आपने एक दो तीन चार पाँच छह, फिर ये लिया आपने ये बनाया एक दो तीन चार पाँच छ फिर ये वाला लिया फिर बनाया आपने एक दो तीन चार पाँच छ फिर पिंक वाला लिया एक दो तीन चार पाँच छ आप ग्रे लिया आपने एक दो तीन चार पाँच और ये छ ये होगी आपकी एक लाइन आप देखिए दूसरी लाइन कैसे करनी है यही दो लाइंस फिर आपको दोहराते हुए जानी है अब यहाँ से हम दूसरी लाइन करेंगे तो ये छः फंदे आपने ग्रेसेस उल्टे बनाने हैं सीधे बनाने हैं दो तीन चार पाँच छः फिर धागा अपनी तरफ ऐसे करेंगे इस तरीके से करेंगे ये देख रहे हैं आप ये पिंक ये आगे लेना है ऐसे आगे लिया और फिर आपने ये पांच फंदे बना लिए एक दो तीन चार पाँच छ छः फंदे बनाए धागा अपनी तरफ वापस लिया यहाँ पे, अब ये ग्रे वाला आपने ऐसे लेना है और इसको आगे करना है बहुत ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा डीला मत छोड़िएगा नॉर्मल जैसे हाथ चलता है वैसे आपने करना है धागा आगे किया छः फंदे आपने फिर बना लिए देखिए फिर इसको दागा अपनी तरफ ये वाला धागा आपने आगे किया ऐसे और फिर छः फंदे बना लिए देखिए धागा इधर फिर आपने ये लिया इसको आगे किया और छह फंदे बना लिए फिर धागा पीछे अब पिंक वाला आगे फिर छह फंदे बनाए अब ऐसे ही आपने दो लाइंस जो बता रही है बताया है मैंने आपने इसी को फ़िलहाल रिपीट करते हुए जाना है देखिए ये किया इसको आगे लिया और फिर ये बना लिया फिर ये लिया आगे ये बना लिया अब यहां पे आप ये देखेंगे मैं पांच फंदे सीधे बनाऊंगी धागा आगे और एक फंदा इससे बनाऊंगी ये देखिए ये अब पलट के आपने बस ये दो लाइंस जो है रिपीट करते हुए ऐसे जानी है देखेंगे आप इस तरीके से आए आपका अब ये धागा है ये तो आप इस तरीके से दोनों जो है पिंक ही ये पिंक बनाएंगे फिर धागे को ऐसे और फिर ये आप सीधा ग्रे बनाएंगे वो मैंने यहाँ इसलिए लाया क्योंकि यहाँ भी आपके धागा आना चाहिए तो यहाँ भी हमने पिंक कलर लाना है ये देखिए बनाया पाँच अब ये यहाँ से पिंक लेंगे और इन्हें बनाएंगे छः फंदे फिर आपने ग्रे लिए ये बनाया स्टार्टिंग और एंड में सिर्फ पाँच पाँच फंदे होंगे बाकी आपके छः छः फंदे होंगे ये देखिए ये बनाया फिर आपने पिंक लिया वो बनाया ये देखिए यहाँ पे आगे जब आप लास्ट में आएंगे ना तो ग्रे पांच ही बनाइएगा एक दो तीन चार पांच और एक आपने पिंक बनाना है वो सिर्फ हम इसलिए करें क्योंकि तागा हमारा यहाँ भी इस तरीके से आए अदरवाइज सिर्फ सेंटर में आएगा और साइड्स में नहीं आएगा इसलिए हमने स्टार्टिंग और लास्ट में एक एक फंदा मैंने पिंक रखा है और बाकी आपने इस तरीके से छः छः फंदे ये चलाते हुए जाना है यहाँ पे ग्रे फंदे पाँच होंगे यहाँ पाँच होंगे क्योंकि एक एक फंदा पिंक है बाकी छः छः फंदे होंगे अब यही चीज़ आपको फ़िलहाल दोहराते हुए जानी है तो देखिए पहला फंदा ऐसे आपने देखेंगे ये पिंक सीधा बनाया ऐसे फिर धागे को अपनी तरफ ऐसे किया इससे ऐसे लिया ग्रे आगे लिया और ग्रे को आपने ऐसे बना लिया पांच फंदे एक, दो तीन चार पाँच फिर ग्रे अपनी तरफ लिया फिर पिंक को आगे किया और पिंक बना दिया अब इसी तरीके से आपको ये करते हुए जाना है लास्ट में आ गए अब लास्ट में आपने पांच फंदे ही ग्रे से बनाने हैं एक फंदा पिंक से बनाना है देखेंगे एक दो तीन चार और ये पाँच फिर धागा पीछे की तरफ करके पिंक आगे लेना है और इससे बनाना है अब यही चीज आप फिलहाल जो है दोहराते हुए इसमें जाएंगे और ये दो पार्ट्स हमारे ऐसे ही बनेंगे दो पार्ट्स बनेंगे यानी कि एक जैसा सेम दो पार्ट्स आपने इसी तरीके से बनाते हुए जाना है अब ये देखिए ये टिकोजी मैंने जो है आप ये देखेंगे इतनी लंबी बना ली आप अपने उससे टिकोजी से ये जो टी पॉट होगी आप उससे इस तरीके से नापेंगे आप ये देखेंगे यहाँ पर इसके पॉइंट तक आ गया अब मैं इसमें जो है घटाऊंगी अब ये वैसे तो अपने अपने टी पॉट के हिसाब से आप बनाएंगे कितना जो है उसका लंबा होगा बट मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये कितना बन गया है अब ये यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे चौदह सेंटीमीटर बना है अब इसे हम घटाएँगे कैसे दोनों पार्ट्स एक जैसे बनेंगे अब घटाएंगे कैसे देखिएगा अब ये जो पहले के दो फंदे हैं इन्हें आपने इस तरीके से दो का एक करना है ऐसे देखेंगे पिंक से फिर ये बीच के दो फंदे आप ग्रे से बनाएंगे इस तरीके से एंड अगेन ये जो दो ग्रे दिख रहे हैं आपको इनको आप यहाँ से दो का एक करेंगे अब आ जाती है पिंक की बारी तो पिंक में हम ये दो का एक करेंगे जो ये दो फंदे आपको दिख रहे हैं इन दो को लेंगे और ऐसे दो का एक फिर बीच के दो फंदे आप सीधे बनाएंगे फिर ये वाले दो फंदे आप ऐसे अब ग्रे आया तो आप ग्रे से लेना है आपने इसी तरीके से पूरी लाइन करनी है ये ग्रे के पहले के दो फंदे आप दो का एक फिर बीच के दो फंदे सीधे फिर साइड के जो दो फंदे हैं वो दो का एक ऐसे ही पिंक का इस तरीके से आप पूरी लाइन करेंगे आप ये देखिए लास्ट में आ गए आप लास्ट में पहले तो ये दो फंदे आप ग्रे से करेंगे ऐसे फिर ये दो फंदे आपने सीधे बनाने हैं एंड देन ये फुन, दो फंदे हम पिंक से करेंगे वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में आपका पिंक रहना चाहिए आप पलट के जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे ये फंदा आपने उतारा इसको ऐसे किया इस वाले फंदे को ऐसे लपेट के आगे लिया और फिर अब ये आपके पास तीन फंदे हैं एक दो तीन फिर धागे को अपनी तरफ किया जैसे कर रहे थे वैसे करना है। पिंक को आगे किया अब ये पिंक चार फंदे हैं एक दो तीन चार अब इस तरीके से पूरी लाइन करेंगे आप ये देखिए लास्ट में आ गए लास्ट में आपके पास एक फंदा आपने पिंक बनाना है आप देखिए फिर से घटाएंगे अगली लाइन में ये हो गया अब इस लाइन में हम फिर से ऐसे ये देख रहे हैं आप घटाएंगे अब क्या करेंगे ये जो दो फंदे हैं इनको इस तरीके से पहले पिंक वाले से घटाएंगे दो का एक करेंगे फिर इन दो को ग्रे से करेंगे दो का एक ऐसे फिर ये पिंक से करेंगे दो का एक इस तरीके से फिर, फिर पिंक से करेंगे दो का एक ऐसे फिर ये ग्रे से करेंगे दो का एक ऐसे फिर ये दो का एक करेंगे आप ऐसे फिर पिंक से करेंगे आप ऐसे पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है दो का एक करते हुए जाना है पर जो कलर है उसको उसी से करेंगे ये लास्ट में आ गए आप अब ये दो तो आप ग्रे से करेंगे और दो आप पिंक से करेंगे देखें दो आप इन दो को पिंक से करेंगे क्योंकि लास्ट में हमें पिंक एक फंदा रखना है ये हो गया अब पलट के वही जैसे बना रहे थे उसको वैसे ही बनाएंगे इसे आपने पहले उतारा ऐसे धागे को ऐसे किया इस वाले धागे को आगे किया और फिर एक फंदा इससे बनेगा ग्रे कलर फिर धागा अपनी तरफ ये आपके दो पिंक है धागा आगे दो पिंक सीधे फिर धागा ऐसे धागा आगे दो ग्रे जैसे दिख रहा है ऐसे ही बनाएंगे यहाँ पे उल्टी साइड में हम बढ़ा नहीं रहे घटा नहीं रहे हैं हो गया आपका लास्ट में आ गए एक ग्रे और एक पिंक अब देखिए अगली बार में क्या करेंगे ये आ गया अभी आपका ऐसे आया है ये देखेंगे आप इस तरीके से घटा है ये देखिए अब पिंक ये दिख रहा है आपको तो ये हम पहले ऐसे ग्रे से करेंगे दो का एक फिर पिंक से करेंगे ऐसे दो का एक फिर ग्रे से करेंगे ऐसे दो का एक अगेन पिंक से ऐसे अब पूरी लाइन ऐसे ही करनी है।, म्हाना है।, म्हाना है पिंक से दो का एक फिर ग्रे से दो का एक देन पिंक से दो का एक ये देखिए लास्ट में आपका ग्रे आया है ये अब इसके लिए आप वही पहला फंदा ऐसे उतारेंगे और फिर एक पिंक और एक वो बनाते हुए जाएंगे अब तो एक एक फंदा आपके पास तो एक पिंक बनाया धागा आगे किया फिर ग्रे किया ऐसे आगे फिर ग्रे बनाया धागा वापस पिंक किया पिंक बनाया धागा अपना आगे किया फिर ये फिर पिंक ऐसे आपने ये फंदे सारे बनाने हैं ये देखिएगा ये हो गया अब दोनों तरफ आपने इसी तरीके से दो साइड बनाने हैं तो आप ये देखेंगे मैंने दूसरा साइड भी इस तरीके से बना के रखा हुआ है ये देखेंगे आप दोनों तरफ ये देखिए ये बन गए अब आपने करना क्या है अब सुई लेंगे पहले तो इसे काटेंगे दोनों धागे को आप ग्रे को थोड़ा ऐसे काटिएगा और पिंक ज़्यादा रखिएगा क्योंकि हमने फिर इसको एक साइड से तो सिलना ही है ये देखिएगा ये किया मैंने अब मैं डालूंगी इसे सुई में ऐसे और ये वाले फंदे हम जो है ऐसे लेंगे और इसमें इस तरीके से डालेंगे देखेंगे ये 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 लिया आपने ये हटा दिया फिर ये लिए ये देखिए ये ले लिया आपने राउंड में इसको अब डाल के ऐसे इस तरीके से ये किया एंड अगेन इसी में दोबारा जो है घुमा दूंगी मैं ये देखेंगे ये ऐसे करते हुए ये आपने दोबारा इसी में डालने हैं फिर इस तरीके से तो दो बार हो जाएगा आपका तो ये आपका इस तरीके से राउंड में बंद हो जाएगा ये देखिए यहाँ भी ऐसे ये ये दो तीन बार आप कीजिएगा ताकि आपका ये जो है डंग से प्रॉपरली ऐसे बंद हो जाए देख रहे हैं आप इस तरीके से अब क्या करना है आपने अब ये हमने सिलना है दोनों साइड लेकिन प्रॉपर पूरी साइड नहीं सिलनी है आपने इसमें ऐसे देखना है देखिए ये आया अभी इसका टॉप है इस तरीके से तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये ऐसे आएगा और ये जो है ऐसे आएगा तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलना है देखेंगे और नीचे का हिस्सा सिलना है इस तरीके से ये वाला हिस्सा आपने खुला छोड़ना है और उसी तरीके से यहाँ से भी हमने यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ तक सिलना है और नीचे का हिस्सा लेकर सिलना है बीच का हिस्सा हम खाली छोड़ेंगे ऐसे ये ये वाला पोर्शन छोटा छूटेगा ये वाला आपका थोड़ा बड़ा छूटेगा तो वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा तो चलिए पहले इसे जो है सिल लूँगी मैं अब देखिए इस तरीके से मैंने इसे आप ये देखेंगे सिल लिया एक तरफ मैंने काफ़ी छोटा सिला है और एक तरफ जो है ये लंबा सिला है तो देखेंगे डालेंगे कैसे आप देखिए अब ये जो है ये इस तरीके से यहाँ से आएगा और यहाँ से ऐसे तो आपका जो टिकोजी है ये कह लीजिए ये इस तरीके से आपकी टिकोजी देखेंगे आप तैयार हो गई है अब यहाँ पे आप चाहे तो पम पम लगा सकते हैं और अगर नहीं भी चाहेंगे तो ऐसे भी रख सकते हैं तो देखिएगा इस तरीके से आपकी ये टिकोजी जो है टी पॉट की तैयार हो गई अब ये लंबाई और चौड़ाई आप अपने अपने टी टी पॉट के हिसाब से इसमें रखेंगे यहाँ पे एक पम पम लगा सकते हैं बहुत सुंदर सा पोमपम लगेगा और इस तरीके से तैयार हो जाएगा बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ थैंक यू